बस आप जाते जाते अगर इजाजत दें तो बस ये आज के दिन की जो एक और डेवलपमेंट थी नैब दफ्तर के सामने, तो आपने कहा कि जिन लोगों ने पुलिस के साथ जो लोग उलझे हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा, तो ये गिरफ्तारियां एक्सपेक्टेड हैं? जाहिर है, देखिए आप ये इजाजत तो नहीं दे सकते कि अगर आपको तफ्तीश के लिए बुलाया जाए तो आप जत्थे बना के पुलिस पे हमले करें। और मैंने तो कहा भी था पीपल्स पार्टी को, बिलावल साहब को इस पर माजरत करनी चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने माजरत नहीं की है। अब हमने उन कारकुनों को रिहा कर दिया है जो पुलिस के ऊपर हमलों में मुलव्वस नहीं थे, ना सिर्फ पुलिस बल्कि दो कैमरामैन जो है मीडिया के वो भी जख्मी हुए हैं। तो जाहिर है कि जो लोग इन हमलों में मुलव्वस हैं, जिन्होंने इसमें एक जत्थे बना के हमले किए हैं, उनको अपने मुकदमा। तो आपके दोस्त मुस्तफा नवाज खोकर साहब उस कैटेगरी में शामिल होते हैं? अनफॉर्चुनेटली मैंने मुस्तफा साहब को भी देखा है, अनफॉर्चुनेटली वो भी शामिल होते हैं। तो आपको लग रहा है कि फिर वो भी गिरफ्तार होंगे? कानून तो फिर सबके लिए बराबर है, एज पर कानून उनको गिरफ्तार होना चाहिए। जाहिर है अगर उनका FIR होगी तो उनको गिरफ्तार तो होना होगी। FIR तो हो गई है, हो गई है, इसका मतलब गिरफ्तारी होगी इस पर। जी थैंक यू वेरी मच फवाद चौधरी साहब, वफाकी वजीर इत्तला, यानी FIR हो गई है तो फिर गिरफ्तारी भी होगी। मुस्तफा नवाज खोकर साहब की गिरफ्तारी हो सकती है कह रहे हैं वफाकी वजीर इत्तला जनाब फवाद चौधरी साहब। मैं मेहमान